सोनाली फोगाट केस पर बड़ा खुलासा। इस खतरनाक ड्रग्स ने ली सोनाली की जान। जाने कितना खतरनाक है ये ड्रग्स। हरियाणा से बीजेपी नेता रही सोनाली फोगाट मौत मामले को लेकर नित नए खुलासे हो रहे हैं। जहां पहले उनकी मौत को हार्ट अटैक से जोड़कर देखा जा रहा था, तो वहीं इस मामले ने नया मोड़ लेते हुए ड्रग्स से मौत होने की पुष्टि हुई है। खबरों की माने तो सोनाली फोगाट को ड्रिंक में जो ड्रग्स दिया है उसका नाम मेथामफेटामाइन है। बताया जाता है कि ये ड्रग्स इतना शक्तिशाली है कि जो इंसान इसे इस्तेमाल में लेता है उसकी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र साथ देना छोड़ देती है, जिसे इंसान खुद के शरीर पर काबू पाने में असमर्थ हो जाता है। इतना ही नहीं, ये शरीर में उत्तेजना भी पैदा करता है। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं मेथामफेटामाइन के बारे में। दरअसल मेथामफेटामाइन की खोज 1893 में हुई थी। इसे क्रैंक, स्पीड और मेथ नाम से भी जाना जाता है। दरअसल ये एक शक्तिशाली उत्तेजक है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर असर डालता है। ये बेहद नशीला होता है। आमतौर पर इसका नशे के रूप में दुरुपयोग किया जाता है। MET यूरिन टेस्ट के जरिए पेशाब में इस ड्रग्स का पता किया जाता है। बेहद शक्तिशाली उत्तेजना पैदा करने वाले इस ड्रग्स को ड्रग के लती अपने नशे को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। सामान्य तौर पर ये सूंघा और खाया जाता है, या फिर इंजेक्शन के जरिए इसे नसों में लिया जाता है। आमतौर पर इसका असर 6-8 घंटे तक रहता है। हालांकि इसका असर 24 घंटे तक भी रह सकता है। इसे लेने वाले शख्स को यूफोरिया यानी बेहद खुशी का एहसास होता है। दिखने में ये ड्रग चमकदार क्रिस्टल जैसा होता है। स्वाद की बात की जाए तो ये ड्रग कड़वे स्वाद वाली पाउडर या गोली है। रासायनिक संरचना में ये एम्फेटामिन यानी दवा जैसी है, जिसका इस्तेमाल अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर और नार्कोलेप्सी में होता है। ये दोनों ही बीमारियां नींद से जुड़ी हैं। जैसा कि मेथामफेटामाइन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर सीधा असर करता है, इसे इंसान में भ्रम, मत भ्रम, गुस्सा और हिंसा के लिए उतारू हो जैसी प्रवृत्ति होती है। ये सीधे इंसानी दिमाग को अपना निशाना बनाता है, जहां ये डोपामाइन कैमिल को बढ़ा देता है। ये खुशी, उत्साह और प्रेरणा की अनुभूति कराने वाला केमिकल है। यही वजह है कि इस ड्रग्स के लेने से इंसान को अस्थायी तौर पर बेहद खुशी होती है। इसे लेने वाले शख्स के अंदर इसे बार बार लेने की इच्छा होती है। लंबे वक्त तक इसे लेने से दिमाग और दिल पर बुरा असर पड़ता है। इसकी बेहद अधिक खुराक लेने से ये जानलेवा साबित होता है। इसकी ओवरडोज लेने से बहुत गुस्सा आने, अधिक व्याकुलता, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपर एक्टिविटी, साइकोसिस, हार्ट रेट का बढ़ जाना, शरीर का तापमान बढ़ जाना और आंखों की पुतली बड़े होने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। लंबे वक्त तक इसका इस्तेमाल करने से दांतों में सड़न, वजन कम होना, चिंता, याददाश्त कम होने, नींद संबंधी परेशानी होने, शरीर में खुजली होने जैसी परेशानियां पेश आती हैं। अगर यूरिन टेस्ट में मेथामफेटामाइन ड्रग की मात्रा 500 नैनोग्राम प्रति मिलीलीटर से या उससे कम होने पर इसे नेगेटिव माना जाता है, लेकिन इसे अधिक होने पर टेस्ट पॉजिटिव माना जाता है। गौर हो कि बीजेपी नेता सोनाली फोगाट को मौत से पहले गोवा के रेस्टोरेंट में आरोपियों ने मेथामफेटामाइन नामक ड्रग्स दिया था। गोवा पुलिस ने शनिवार को ये जानकारी दी। पुलिस ने कहा कि अंजुना के करलीज रेस्टोरेंट में फोगाट को मादक पदार्थ दिया गया था। उसके बचे हुए हिस्से को रेस्टोरेंट के वॉशरूम से जब्त किया गया है। पुलिस ने इस मामले में अब तक फोगाट के निजी सहायक सुधीर सांगवान, एक अन्य सहयोगी सुखविंदर सिंह, रेस्टोरेंट के मालिक एडविन न्यूज और कथित मादक पदार्थ तस्कर दत्ता प्रसाद गांवकर को गिरफ्तार किया है। तो ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।